दोस्तों स्टेज से अक्षय कुमार की चमचागिरी और चापलूसी देखकर इस बार तो अजय देवगन भी शर्मा गए। अजय देवगन की भी जुबान से चूं नहीं निकला। एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है जिस पर अक्षय कुमार को जबरदस्त तरीके से ट्रोल किया जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है उनका और उनसे कुछ गंभीर सवाल भी पूछे जा रहे हैं। सवाल ये कि अक्षय कुमार के क्या इतने बुरे दिन आ गए कि मोदी भक्ति में उनको ऐसे ऐसे काम करने पड़ रहे हैं। दोस्तों HT समिट में, हिंदुस्तान टाइम्स के समिट में अक्षय कुमार को बुलाया गया था। ये बहुत बड़ा समिट था जिसमें PM मोदी ने भी अपनी बात रखी और अजय देवगन को बुलाया गया था। तमाम बड़ी हस्तियां अपने अपने जगत की, चाहे वो बिजनेस जगत की हो, चाहे वो फिल्म जगत की हो, चाहे वो राजनीति की हो, यहाँ पर आई थी। प्रधानमंत्री मोदी और अक्षय कुमार की मुलाकात भी हुई। मुलाकात में किसने किसको क्या कहा और उसके जवाब में अक्षय कुमार को कैसे ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, ये मैं आपको इस वीडियो में दिखा चुकी हूँ। आप चाहें तो तफसील से देख सकते हैं। दोस्तों स्टेज में अक्षय कुमार मौजूद थे और उनके साथ अजय देवगन मौजूद थे और BJP की जो प्रवक्ता हैं शाजिया इल्मी, जो इस वक्त न्यूज़ चैनल्स की प्राइम टाइम डिबेट की शोभा बढ़ाती हैं, वो मौजूद थी और उनसे एक बहुत ही ट्रिकी सवाल पूछा गया। एक ऐसा सवाल जिसको देने से वो बच सकते थे, जिसको वो टाल सकते थे या फिर जिसका जवाब वो देने से बच सकते थे, कुछ भी कह सकते थे, लेकिन अक्षय कुमार ने उस सवाल का जवाब दिया और जवाब भी ऐसा दिया जिसके बाद सोशल मीडिया में उनकी काफ़ी आलोचना शुरू हो गई है। तो उस अक्षय कुमार से एंकर ने पूछा कि अगर कोई पॉलिटिशियन, आप चाहेंगे कि कोई पॉलिटिशियन एक्टर बन जाए तो वो कौन पॉलिटिशियन होगा, मतलब हमारे देश में इस वक्त ऐसा कौन सा पॉलिटिशियन है जो कि अच्छा एक्टर बन सकता है, सवाल ये था। तो अक्षय कुमार के हाथ में माइक था, अक्षय कुमार ने थोड़ा सोचने का वक्त लिया और उसके बाद जवाब दिया अरविंद केजरीवाल। दोस्तों जैसे ही अक्षय कुमार ने अरविंद केजरीवाल जवाब दिया, ऑडियंस तालियां बजाने लगी और स्टेज में शाजिया इल्मी, BJP की जो प्रवक्ता हैं, वो उनको ये जवाब बहुत अच्छा लगा। हालांकि बाद में अक्षय कुमार डैमेज कंट्रोल करने लगे कि नहीं, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये तो तारीफ कर रहा था अरविंद केजरीवाल की। इन सब के बीच अजय देवगन अक्षय कुमार के साथ मंच पर मौजूद थे और अजय देवगन बिल्कुल शांत रहे। मतलब अजय देवगन थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गए होंगे शायद कि उनको समझ नहीं आया कि किस तरह का जवाब है, वो इस जवाब को किस तरह से लें। दोस्तों बात ऐसी है कि एक्टर होना कोई कम सम्मान की बात नहीं है, एक्टर्स बहुत मेहनत करते हैं। लोग एक्टर्स को नाचने गाने वाला कहता है लेकिन एक्टिंग करना सबके बूते की बात नहीं है और हर आदमी जो काम कर रहा है वो मेहनत से कर रहा है, चाहे वो अक्षय कुमार हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो। लेकिन यहाँ जिस सवाल का जवाब अक्षय कुमार दे सकते थे बेहतर, उनमें बहुत से ऑप्शन थे। दोस्तों मैं जानना चाहती हूँ कि अक्षय कुमार ने अरविंद केजरीवाल का नाम ही क्यों लिया, क्या अक्षय कुमार नरेंद्र मोदी को इतने बेहतर तरीके से जानते हैं, उनके साथ तो नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू वगैरह भी कर चुके हैं। हमारे मोदी जी एक्टिंग में क्या कम है, आप बताइए। हमारे मोदी जी ने 2014 से पहले कहा था 15-15 लाख सबके खाते में आ जाएंगे, क्या गजब की एक्टिंग की थी, याद है ना आपको, अब पता नहीं वो आए ना आए। इसके अलावा दोस्तों चुनाव की किसी भी रैली में हमारे मोदी जी को देख लीजिए, जिस तरह से मोदी जी भाव भंगिमा बना बना के भाषण देते हैं, वो उनका एक तरीका है, वो उनका स्टाइल ऑफ टॉकिंग है। तो हमारे मोदी जी क्या आम बोलचाल में ऐसे ही थोड़ी बात करते हैं, हमारे मोदी जी जब इंटरव्यू देते हैं तो अलग भाषा में बात करते हैं, जब रैली में बोलते हैं तो अलग भाषा में बात करते हैं, लेकिन जब अपने अधिकारियों से बात करते होंगे तो अलग भाषा में बात करते होंगे, तो ये भी तो उनकी एक कला है। वैसे मैं एक बात बताऊँ दोस्तों, हर वो आदमी जो स्क्रीन फेस कर रहा है, जो पब्लिक लाइफ में है, वो एक तरह से एक्टर होता है, जो पॉलिटिशियन है ना वो भी एक्टर होता है। अब देखिए BJP के जितने भी नेता हैं जो खुलेआम हिंदू मुसलमान करते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं, अपने घर में थोड़ी इस तरह से बातें करते होंगे ये लोग, अपने घर में अपने बच्चों से थोड़ी इसी नफरत से बात करते होंगे, एक्टिंग है। स्क्रीन जो फेस कर रहा है, पब्लिक लाइफ में जो है, वो सब एक्टिंग करते हैं, तो पॉलिटिशियन एक्टर ही होता है एक तरह से, लेकिन वो एक्टिंग उस तरह की नहीं होती है जो एक एक्टर एक्टिंग करता है। एक्टर का तो पूरा जीवन एक झूठे कैरेक्टर्स को बिताने में जाता है। कोई एक्टर किसी फिल्म में कॉप बना होता है, यानी कि पुलिस का अधिकारी बना होता है, फिर वही एक्टर दूसरी फिल्म में गैंगस्टर बना होता है। ऐसी ज़िंदगी पॉलिटिशियन की नहीं होती है। पॉलिटिशियन जो कहता है वो उसको महसूस करने की कोशिश करता है और वो जनता के बीच अगर जाती है बात तो जनता उसको हाथों हाथ लेती है, नहीं तो रिजेक्ट कर देती है। और जहाँ तक बात है दोस्तों अरविंद केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल के बहुत से आलोचक हैं। भाई अरविंद केजरीवाल कोई देवता तो है नहीं और ना ही अरविंद केजरीवाल की मैं प्रवक्ता हूँ कि मैं अरविंद केजरीवाल की बलाएं लूँ और उनकी तारीफें करूँ, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने हाल के दिनों में बहुत मुश्किल वक्त देखा है। दोस्तों अरविंद केजरीवाल एक लंबे वक्त जेल में सजा काट कर आए हैं, एक ऐसे दोष के लिए जो अब तक उन पर साबित भी नहीं हुआ है, और उनको जमानत के लिए छका दिया एजेंसियों ने। कैसे छकाया है मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ पब्लिक स्पेस में है।
अरविंद केजरीवाल के बच्चों पर क्या बीती होगी जब उनके पिता जेल गए होंगे, उनके बूढ़े माँ बाप पर क्या बीती होगी सोचिए, उनकी पत्नी पर क्या बीती होगी। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने अपना घर भी छोड़ा और अपने बूढ़े माँ बाप को वो दूसरे घर में लेकर गए, तो ये सब कुछ पब्लिक लाइफ में है दोस्तों, किसी के साथ भी ऐसा होता है तो बुरा लगता है। अरविंद केजरीवाल ने हाल के दिनों में बहुत ही मुश्किल वक्त देखा है, बहुत कम लोग जानते हैं अरविंद केजरीवाल डायबिटिक हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं, काफ़ी बीमार रहते हैं वो, और इस बीच उनकी तबीयत भी काफ़ी ख़राब रही जेल में। तो एक ऐसा शख्स जिसने हाल के दिनों में काफ़ी मुश्किल वक्त देखा हो, उसके लिए इस तरह की बात करना आसान हो सकता है अक्षय कुमार के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि अरविंद केजरीवाल का नाम लेंगे तो कोई रिस्क नहीं है। राहुल गांधी का भी नाम ले सकते थे वो, राहुल गांधी का नाम लेंगे तो कोई रिस्क नहीं है, हाँ लेकिन ये है कि नरेंद्र मोदी का नाम लेंगे तो रिस्क है। हालांकि अरविंद केजरीवाल की भी लोग आलोचना करते हैं कि अरविंद केजरीवाल एक वक्त में इलेक्ट्रिशियन बनकर शीला दीक्षित की सरकार के खिलाफ बिजली की तारें काटा करते थे और बड़ी बड़ी कस्में खाई थी अरविंद केजरीवाल ने, अपने बच्चों की कस्में तक खाई थी, लेकिन वो कस्में भी तोड़ दी। अरविंद केजरीवाल ने जिस कांग्रेस के खिलाफ अपनी पूरी राजनीति शुरू की, अंत में जाकर लोकसभा चुनाव में उस कांग्रेस के साथ गठबंधन भी कर लिया और अब भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है आम आदमी पार्टी। आप संजय सिंह को देखिए, ताबड़तोड़ महाराष्ट्र में रैलियों पर रैलियां कर रहे हैं संजय सिंह इंडिया गठबंधन के लिए, लेकिन राजनीति में आपको पता है इस तरह के समझौते हर पार्टी करती है। मोदी जी ने तो कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार ही बना ली। लेकिन इस बीच दोस्तों मुझे शाहरुख खान का एक वीडियो जहन में आ रहा है, मुझे याद है इंडिया टुडे का एक वीडियो था जिसमें शाहरुख खान को बुलाया गया था। ये वो दौर था जब नेता अभिनेता स्टेज में खुलकर एक दूसरे से बात किया करते थे, ये वो दौर नहीं था कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो सारे एक्टर खड़े होकर नमस्ते कर रहे हैं, ये वो दौर हुआ करता था दोस्तों जब राजनीति के अलावा भी राजनीतिज्ञों से हल्की फुल्की बातें करना अलाउड था। डॉक्टर मनमोहन सिंह उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे और इंडिया टुडे का वो प्रोग्राम था, मुझे अच्छे से याद है, और राहुल गांधी उस वक्त काफ़ी उनकी उम्र कम थी और वो ऑडियंस के स्पेस में बैठे हुए थे और जो एंकर थे शो के, जो संचालन कर रहे थे, वो शाहरुख खान थे। शाहरुख खान उस वक्त, अभी भी खैर शाहरुख खान सबसे बड़े स्टार हैं, और उस वक्त उनकी धनाधन फिल्में हिट हो रही थी, शाहरुख खान एंकर कर रहे थे। तो दोस्तों राहुल गांधी ने उस वक्त शाहरुख खान से एक सवाल पूछा था कि अगर आप पॉलिटिशियंस को कोई एडवाइस देना चाहें, राजनीतिज्ञों को कोई एडवाइस कोई सलाह देना चाहें तो आप क्या सलाह देंगे। अब देखिए सवाल तो ये भी ट्रिकी था, लेकिन शाहरुख खान कुछ भी बोल सकते थे, मैं पॉलिटिशियन से कहूँगा ये करें वो करें ये करें, लेकिन बहुत ही कृतज्ञता के साथ शाहरुख खान ने जो बात बोली वो इस पूरे के पूरे सिचुएशन में फिट बैठती है। दोस्तों शाहरुख खान ने उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री के आगे बोले थी ये बात कि हम एक्टर्स किसी को सलाह देने लायक नहीं है, क्योंकि शाहरुख खान ने कहा था कि वो तमाम नेताओं का बहुत सम्मान करते हैं क्योंकि ये नेता हमारा देश चलाते हैं, और हम एक्टर्स तो अपनी पूरी ज़िंदगी झूठी जीते हैं क्योंकि हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो कोई सच्चे कैरेक्टर्स नहीं होते हैं, लेकिन जो राजनेता हैं वो काफ़ी सच्चाई से देश के लिए काम करते हैं। और ये बात भी सही है दोस्तों, हम अपने राजनीतिज्ञों से बहुत चिढ़ते हैं, हम मानते हैं कि हमारे जितने भी राजनेता हैं सब चोर हैं, लेकिन सच्चाई तो यही है कि देश यही नेता चला रहे हैं और ये हम इनको चुनते हैं, ये हमको नहीं चुनते, हम ही इनको चुनते हैं, हम ही इनको विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, फिर ये मंत्री बनते हैं, फिर ये पीएम बनते हैं, सीएम बनते हैं, तो हम इनको कितना भी नफरत करें सच्चाई ये है कि ये हमारे ही समाज से निकल कर आए हैं, और चाहे वो किसी भी पार्टी का विधायक हो या किसी भी पार्टी का सांसद हो, आप एक बार उसकी दिनचर्या देख लेंगे ना, सुबह 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक किसी के नामकरण में जाने से लेकर किसी की शव यात्रा में जाने तक एक जनप्रतिनिधि बहुत काम करता है, बहुत मेहनत करता है। अब वो किस पार्टी से है, उसकी क्या विचारधारा, उस पर बहस की जा सकती है, लेकिन शाहरुख खान ने जो जवाब दिया था, अब मुझे अक्षय कुमार के इस जवाब से वो बात और याद आने लगी कि एक जवाब ये भी था और एक जवाब वो भी था। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।